हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की हमारी अगली यूनिट, जो कि हमारी डिसइंफेक्शन। ठीक है दोस्तों, बट डिसइंफेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोज बना रखी हैं और हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की और भी यूनिट हमने पढ़ रखी है। अगर आपने वे हमारी वीडियोज नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, या हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की अगली यूनिट, जो कि हमारी डिसइंफेक्शन। तो दोस्तों, डिसइंफेक्शन क्या होता है? हमारा डिसइंफेक्शन होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। दोस्तों, डिसइंफेक्शन क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन है हमारा अगर हम अपने पानी में से रिमूव कर देते हैं कैसे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, यही प्रोसेस कहलाती है डिसइंफेक्शन। अगर मान लीजिए हमारे पानी में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया यानी कि पैथोजेंस हैं, अगर हम पैथोजेंस को रिमूव कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी डिसइंफेक्शन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, हमारे पानी के जो मिनरल है उन्हें डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उससे ये भी क्या है, ये भी डिसइंफेक्शन है, क्यों, हम जो हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें पानी में से हटा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, डिसइंफेक्शन पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, जिसमें दोस्तों हम दो तरह की मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला होने वाला है हमारा माइनर मेथड्स और दूसरा होने वाला है क्या, मेजर मेथड्स। तो माइनर मेथड्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, बॉइलिंग, दूसरा यूवी रेस, तीसरा ट्रीटमेंट विद ओजोन, चौथा ट्रीटमेंट विद KMnO4 और पांचवा ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। अब दोस्तों बात करें अगला मेजर मेथड, मेजर मेथड में क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर मेथड में पढ़ने वाले सिर्फ क्लोरीनेशन। दोस्तों क्या पढ़ने वाले, सिर्फ क्लोरीनेशन, और हम क्लोरीनेशन कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन से, क्लोरीनेशन कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन से, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, डिसइंफेक्टेंट ये क्या होता है दोस्तों हमारा डिसइंफेक्टेंट। तो दोस्तों डिसइंफेक्टेंट होता है हमारा, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर Cl2 ऐड किया, मैंने अपने पानी में Cl2 ऐड किया, किसके लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों Cl2 क्या हो जाएगा मेरा, ये Cl2 जो है ये हो जाएगा मेरा डिसइंफेक्टेंट, ये Cl2 क्या हो जाएगा, ये Cl2 हो जाएगा हमारा डिसइंफेक्टेंट। तो यही क्या है, यही हमारा डिसइंफेक्टेंट है। अब आइए हम क्या करते हैं, वन बाय वन हर मेथड को पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है इस मेथड में, हम कैसे डिसइंफेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा क्या, बॉइलिंग। दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है, क्या करना है, हमें पानी को उबालना है। तो मान लीजिए हमारे पास पानी, हम क्या करते हैं उसे बॉईल कर देते हैं, तो वो क्या होगा, बॉइलिंग होगा। दोस्तों उससे क्या होता है, बॉइलिंग से काफी ज्यादा हद तक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला आता है यूवी रेस। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा मान लीजिए पानी में क्या है, पानी में हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उन पर अगर यूवी रेस जलती है तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किल हो जाते हैं। तो दूसरा मेथड होने वाला है क्या हमारा, यूवी रेस। अब आते हैं दोस्तों अगला मेथड, जो कि हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन, जो हम अभी देखने वाले हैं क्या होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन। तो अगला ट्रीटमेंट हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन, या हम कह सकते हैं O3। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं, जब O3 होता है ना हमारा, ये क्या होता है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक O2 में और O में। O2 तो हमारा क्या, हम जानते हैं ऑक्सीजन तो स्टेबल है हमारा, बट जो O होता है दोस्तों ये क्या है, ये हम इसे क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और दोस्तों ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है, ये दोस्तों हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये ओ जो नेसेंट ऑक्सीजन ओ है जो हमारे, दोस्तों हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे उनके साथ क्या करता है, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, और क्या करता है उन्हें, उनकी जो सेल वॉल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल विल बी डिस्ट्रॉयड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है दोस्तों, उसे क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन उसे डिस्ट्रॉय करता जाता है, और कुछ टाइम बाद हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ये हमारा किसका काम, ओजोन का, O3 का। पहले किस में टूटता है, O2+O में। और दोस्तों ओ जो है, इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और दोस्तों ये हमारी हाईली रिएक्टिव होती है। तो क्या होता है दोस्तों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी सेल वॉल के साथ रिएक्ट करके उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। दोस्तों जो ओजोन की एफिशिएंसी होती है डिसइंफेक्शन की, बहुत ज्यादा होती है। और हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि
ओजोन में एफिशिएंसी भी ज्यादा है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है, डिसइंफेक्शन का काम करता है, बट इसकी एक कमी है, नॉट यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकमेंडेशन, फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। दोस्तों इसका मीन क्या है, नॉट यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। तो दोस्तों अगर आपने आपको अपने पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने हैं तो आपने ओजोन डाल दी उसमें, और दोस्तों ओजोन O3 O2 में और O में टूटकर इसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को खत्म कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को खत्म कर हमारे पानी साफ कर दिया। लेकिन इट इज नॉट यूज फॉर फ्यूचर रिकंटेमिनेशन, मीन कि अगर आपने सोचा है कि ये कुछ टाइम बाद भी वर्क करेगा, जैसे आपने सोचा आज तो हमने मार लिया लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आप सोचे कि यही ओजोन काम करता रहेगा और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जिस टाइम आपने डाला है उस टाइम तक ही ये हमारा O3 या ओजोन है, ये हमारे पानी को डिसइंफेक्ट करेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये नहीं करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डोसेज की, हम इसे पानी में यूज कितना करते हैं, तो बता दूं आपको जो इसका डोसेज है कितना पानी में यूज करते हैं इसे हम, 1 से 3 ppm, 1 से 3 ppm पार्ट पर मिलियन हम अपने पानी में O3 यूज करते हैं। बट दोस्तों जो O3 का प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट विद ओजोन जो है हमारा बहुत कॉस्टली होने वाला है, इसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, इकोनॉमिक नहीं है। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन, अब आता है हमारा अगला ट्रीटमेंट, तो अगला ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट विद KMnO4। दोस्तों KMnO4 का सीन थोड़ा अलग रहता है, ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, हमारे पास हमारा पानी था, हम कह सकते हो वाटर सैंपल था, तो हमने अपने वाटर सैंपल में क्या किया, KMnO4 ऐड कर दिया। हमने अपने वाटर सैंपल में क्या किया दोस्तों, हमने अपने वाटर सैंपल में KMnO4 ऐड कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमें कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। अभी क्या होगा, हमें पिंक कलर देगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपने अभी हमारा KMnO4 ने पिंक कलर दे दिया, अभी हमारा पिंक कलर जब किसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं MO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये पिंक कलर या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हमारा जो वाटर के अंदर है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो हमारा पिंक कलर है वो कैसा होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा, वो लाइट होने लगेगा। लाइट होते होते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा टाइम आएगा कि हमारे जो पानी में पिंक कलर है वो खत्म हो जाएगा और हमारा कलर कैसा हो जाएगा, पहले जैसा कलरलेस, यानी कि वाटर प्लस KMnO4। हमने क्या किया, अपने पानी में डिसइंफेक्टेंट डाला KMnO4, जो क्या करेगा, पहले तो पहले हमें कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, बट जब ही हमारा KMnO4 हमारे वाटर के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करने स्टार्ट करेगा, तो जब तक हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये KMnO4 है, क्या हुआ, ये कलर हल्का होता जाएगा और हल्का हुआ और हल्का हुआ और हल्का हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पानी में KMnO4 और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे और जो पानी मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, पानी फिर से हमारा पहले जैसा कलरलेस हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा KMnO4 है, जब अपने पानी में हम KMnO4 यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि 6 से 8 घंटे हम पानी यूज नहीं करते, क्यों, जब तक हमारा 98% KMnO4 क्या होता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। 6 से 8 घंटे के बीच में दोस्तों क्या होता है, हमारे पानी का 98% KMnO4 खत्म हो जाता है, तो हम कह सकते हैं 6 से 8 घंटे बाद हम पानी यूज कर सकते हैं। बट जल्दी देखा गया है कि लोग सिर्फ 24 घंटे बाद पानी यूज करना पसंद करते हैं, क्यों, कि हमारा जो 2% KMnO4 बचा है, जो हमारा 2% KMnO4 बचा है वो कितना टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, या खत्म होने में, वो लेता है हमारा 16 से 14 घंटे। तो जो पानी यूज करना चाहिए हमें, वैसे तो करना चाहिए 24 घंटे बाद फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पानी जो है वो 24 घंटे बाद यूज करना चाहिए। अगर आप 6 से 8 घंटे बाद ही पानी यूज करते हैं तो उसमें 98% KMnO4 खत्म हो जाता है, तो यूज करने में भी कोई बुराई नहीं है, आप यहां भी पानी यूज कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल खत्म करना है KMnO4 तो 24 घंटे बाद आप पानी यूज कर सकते हैं, 24 घंटे में बिल्कुल पानी साफ हो जाता है, KMnO4 बिल्कुल खत्म हो जाता है पानी में से, ठीक।
अब जो KMnO4 होता है ना दोस्तों, ये बहुत स्मॉल पर्पसेस के लिए यूज होता है। जैसे आपका वो एक वेल आपने क्या किया कुएं में डाल दिया, तो कुएं में यूज हो सकता है आपका। तो जहां हमारा एरिया कम हो या कह सकते हैं हम पानी कम है, वहां हम KMnO4 को यूज करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं KMnO4 क्या है, यहाँ KMnO4 हमारा एक डिसइंफेक्टेंट है जो क्या करता है, रिमूव कर देता है, जो हमारे पानी में से रिमूव करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों को रिमूव करता है क्या हमारा KMnO4। तो KMnO4 हमारा एक डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या इसमें हमें याद क्या रखना है, पिंक कलर, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ KMnO4 या पिंक कलर रिएक्ट करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगी, हमारा कलरलेस में चेंज हो जाएगा। और 98% KMnO4 कितनी देर में खत्म हो जाता है, 6 से 8 घंटों में। और 100% कब खत्म होता है, 24 घंटों में। अब ऐसे हम जनरली यूज क्या करते हैं, वेल में यानी कुओं में। और KMnO4 हमारा क्यों यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। दोस्तों बताऊं, जो KMnO4 है अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें एस कंपेयर टू ओजोन O3, तो इसकी एफिशिएंसी इसकी कम होती है, किससे, O3 से। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला ट्रीटमेंट। तो अब आता है हमारा ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही हमारे किस फॉर्मूले से बिलोंग करते हैं, क्लोरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर भी डिसइंफेक्टेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों जो इन दोनों का यूज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या तो पिल्स की फॉर्म में, गोली की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं टेबलेट की फॉर्म में। हम अपने पानी में क्या करते हैं, आयोडीन या ब्रोमीन ब्रोमीन की क्या लाते हैं, पिल्स लाते हैं, टेबलेट लाते हैं, और उसे अपने पानी में ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं। अब दोस्तों अब ये यूज कब होते हैं, फॉर स्मॉल पर्पसेस, जहां बहुत छोटा सा या थोड़ा सा पानी साफ करना हो, जहां बहुत थोड़ा सा पानी साफ करना हो, वहां हम यूज करते हैं किसका, आयोडीन और ब्रोमीन का। ठीक दोस्तों, ये था हमारा ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। और हम कह सकते हैं हमारे माइनर मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हमारे कौन से मेथड्स, मेजर मेथड्स। अब आते हैं हमारे मेजर मेथड, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोरीनेशन, जो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में।